हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड इवनिंग। तो भाई, आजकल जो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है गाड़ी, जिसके पिछले 3-4 दिन से बहुत चर्चे हैं, तो आज मैं उसी के शोरूम पे आया हूँ। और वो कौन सी गाड़ी, आपको नाम दिखाऊंगा, जिसमें कि बहुत मतलब कि हाई टेक्नोलॉजी के साथ वो गाड़ी बना दी गई है। इंडिया की पहली गाड़ी है वो, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो उस गाड़ी का मैं कवरेज आज आपको दिखाऊँगा सारा, क्या क्या है वो गाड़ी। सेटेलाइट से कनेक्ट होके चलेगी सारी गाड़ियाँ आपस में, सारी जो भी चीज़ें वो दिखाऊँगा मैं आपको। तो अभी चलते हैं हम उस शोरूम की तरफ, दिखाता हूँ आपको। हाँ, और वो जो गाड़ी है वो 5G कार है, जो कि क्लाउड मॉडल पे तैयार की गई है, पहली गाड़ी है गाइस इंडिया की। तो अभी चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, वो कार है टाटा की, और अंदर जाके मैं दिखाऊंगा आपको कौन सी कार है, क्योंकि भीड़ काफ़ी लगी हुई है उसी गाड़ी के लिए, लोग बाग दूर दूर से आ रखे हैं यहाँ पे। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। तो गाइज़, ये है टाटा की न्यू पंच, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि पूरी क्लाउड पे गाड़ी तैयार की गई है, 5G सैटेलाइट से कनेक्टेड। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसकी पहले लुक साइड से। आप ये अलॉय व्हील देखोगे तो अलॉय व्हील डायमंड कट है इसमें, और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, 5G कार है। और साइड से पहले लुक आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि कैसी लुक, थोड़ी सी चेंज कर दिया इन्होंने, काफ़ी बना रहा अच्छी लुक बनाई है। और पीछे से दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ थोड़ी दीवार है तो थोड़ा ठीक से नहीं दिखेगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें चेंज की गई है। लाइट का जो यहाँ से डिज़ाइन दिया गया है वो एक तरह से ऐसे दिया गया, ऐसे मतलब कि चेंज करके लंबा और एक तरफ से चौड़ा दे दिया। पीछे रियर वाइपर आया था, आप देखोगे 4 और लोकल वोकल दोनों इसमें, डिग्गी यहाँ पे खुलेगी इसकी। तो गाइस, आप ये देखो लेग स्पेस इसमें कितना है, लेग स्पेस पीछे करेंगे पूरा, आगे तक पैर इसमें ऐसे खोल लो, बहुत स्पेस दे रखा है। और ये देखो, मैं दिखाता हूँ इसको, जो CD प्लेयर जो इसका जो दिया है वो बिल्कुल एक ऐसे लगा है जैसे TV होता है ना, LED होती है, और एक किसी चीज़ पे उसको टेक दिया हो, अलग लगा दिया हो, मतलब पता ही नहीं चलेगा कहीं फिक्स है, ऐसा लगेगा खड़ा हुआ है वो। और स्टेयरिंग देखोगे तो कितना फीचरिस्टिक इसका स्टेयरिंग दिया गया है। अभी इसकी जो है बैटरी डाउन है इनके यहाँ पे, अभी मैंने बात किया अगर वो करेंगे इसको चार्ज, तो इसमें सेकंड बैटरी भी होती है ना। तो ये देखो टाटा का आपको इसमें लोगो दिख रहा होगा, ये जब ऑन होती है गाड़ी तो ये जो लोगो है इसमें ऑन हो जाता है, देखो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। और बहुत सुंदर सा एक लगता है भाई, बड़ा मजा आता है मतलब देख के। और मीटर भी काफी अच्छा दे रखा है इन्होंने, और सनरूफ भी है इसके अंदर में, देखो सनरूफ दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो सनरूफ भी भाई इन्होंने दे दिया है, पंच में पहले नहीं आता था ये। और अभी मैं आपको इसके रेट वगैरह और जो इसकी स्पेशलिटी जो भी है, जो इसकी एक क्लाउड पे इन्होंने तैयार की गई ना 5G कार जो तैयार की है, ये पहली है इंडिया की ये कार, उसके बारे में सारी आपको जानकारी देने वाला हूँ। और बहुत ट्रेंडिंग में, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की सोच रहे हो लेने की, तो भाई पंच ले लो। पिछले कुछ दिनों में जब से इसके रिव्यू बहुत अच्छे आ रखे हैं, आप और भी चैनल्स पे जाके या फिर गूगल पे जाके इसके रिव्यू कर सकते हैं। पहले आके देख लो, अगर समझ आए तो ले लो कार को। अभी और दिखाता हूँ मैं आपको। और यार ये कितनी भरी भरी लग रही है भाई गाड़ी, देखो अलॉय व्हील डायमंड कट इसमें दे रखा है, और साइड से ऐसे लग रही है मतलब जैसे कि अलॉय बाहर से डालने की जरूरत है, एक अच्छा डिजाइन दिया गया। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, देखो ये जो साइड ग्लास दिया गया है ना, ये बिल्कुल सफारी वाला है, देखो कितना हैवी साइड ग्लास दे रखा है इन्होंने। तो गाइस, अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको इस गाड़ी का भाई इंटीरियर, और क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज में। तो रवि भाई मेरे साथ में है अभी, रवि भाई हाय। हेलो। तो रवि भाई हमें बताएंगे इसके बारे में क्या क्या इसमें नया है, और क्यों इस गाड़ी को और ज्यादा ये सारी चीजें खास बना रही है। रवि भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो हम अभी बैठे हैं पंच ईवी के एम्पावर्ड प्लस लॉन्ग रेंज वेरियंट में। तो लॉन्ग रेंज में कुछ चीजें स्टैंडर्ड आती है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपका ज्वेल पैटर्न नॉब दे रखा है इसमें। ओके। उसके बाद इसमें ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगी, जो बैटरी पैक इंक्रीज मिल रहा है, और हिल असिस्ट फंक्शन है। ये कुछ चीजें स्टैंडर्ड है, सिर्फ लॉन्ग रेंज में आती है। फिर अभी मैं बात करूँ इस फ्रंट पूरे कॉन्सोल की, तो ये 10 इंच का टच स्क्रीन विद 360 डिग्री कैमरा, एंड आपको ये फुली डिजिटल क्या कहते हैं MID डिस्प्ले मिल रहा है, जिसका हम यूज कर सकते हैं कि जो मैप हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, वो फ्रंट पे आ जाएगा मैप, ये बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा सा बहुत प्रीमियम सेगमेंट में आना स्टार्ट हुआ था, तो टाटा ऑफर कर रहा है हमारे नेक्सॉन से, अब ये पंच में भी कंटिन्यू किया इन्होंने। उसके बाद इसमें क्रूज कंट्रोल मिल रहा है आपको इस वेरियंट में, और क्रूज कंट्रोल के बाद ये ऑल न्यू टू स्पोक स्टेयरिंग है, जो हमारी हाई एंड कार्स में आता है, स्पोर्टी टाइप थोड़ा लग रहा है, स्पोर्टी टाइप जो लुक देता है। एंड देन इसमें आप देखेंगे यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जिंग दिया है, यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जिंग ऑप्शन दे रखा है। टू सीट्स आपके वेंटिलेटेड सीट्स है, ये दोनों फ्रंट वाली दोनों सीटें वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ आ जाती है। फिर आप इसमें देखेंगे जो चीज स्टैंडर्ड है, इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग
ये आपको आपको लॉन्ग रेंज में आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड एक स्टैंडर्ड फीचर जो सिर्फ लॉन्ग रेंज में अवेलेबल होगा। उसके बाद इसमें आपको इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर जो इसका स्मार्ट प्लस वेरिएंट आता है, इनबिल्ट एयर प्यूरिफायर आपका स्टैंडर्ड दे दिया इन्होंने ईवी में। Okay. एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब अगेन ईवी हम सर्व कर रहे हैं तो विद एयर प्यूरिफिकेशन दिल्ली में इतना जो ये बात जरूरी है। बिल्कुल। उसके बाद जो इंफोटेनमेंट आता है वो बाय हरमन आता है विद सेट ऑफ 4+4 स्पीकर सेट, और मैंने टच स्क्रीन आपको बता ही दिया कि 360 डिग्री कैमरा के साथ एक इसमें ऑप्शन आ जाता है, और रिवर्स में आपको क्या कहते हैं वाइपर डिफॉगर मिल रहा है, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉग आइस क्यूब शेप फॉग लैम्प, ये सारी चीजें इसमें आपको स्टैंडर्ड मिलती मिलती हैं जो टॉप मॉडल है इसमें। उसके बाद इसमें सनरूफ है, सनरूफ है इसमें, और इसमें एयरबैग भी बढ़ा दिए गए हैं ना। एयरबैग स्टैंडर्ड जो बिल्कुल बेस मॉडल है उसमें आपके 6 एयरबैग्स आपके क्या कहते हैं बेस मॉडल से बेस वाले में 6 है। ओके। एबीएस ईबीडी स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ जो सेफ्टी वो उसमें आता है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये ओनली अपने सेगमेंट में सेफेस्ट कार इन द सेगमेंट है जो कि ग्लोबल एनकैप 5 out of 5 स्टार रेटेड प्रोडक्ट है। ओके। और भाई एक चीज जो मुझे बहुत मस्त लग रही है ना भाई, मुझे ये जो टाटा का लोगो है ना जो ये डिजिटल में जो इन्होंने दिया है ये बहुत मस्त नजर आ रहा है मुझे। और गाइस में आप देखोगे कि 8 एयरबैग और बेस मॉडल में 6 एयरबैग, भाई कोई कंपनी नहीं देती, और 6 इसमें दे दिया यानी कि सेफ्टी पर्पज से बहुत ज्यादा एक बड़ी पहल टाटा कर चुका है, और इस गाड़ी को इसीलिए उन्होंने एक अलग तरीके एक अलग प्लेटफॉर्म पे उन्होंने उतारा है। ईवी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, ईवी पे है, टोटल ईवी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है क्लाउड, और इसमें ये 5G कार है, और सैटेलाइट से भी समथिंग कुछ इसका है ना। हाँ, इसमें इनबिल्ट क्या कहते हैं जो अपना नेविगेशन वगैरह, हम गाड़ी को अगर आप कोई भी मतलब स्मार्ट प्लस वेरिएंट से लेते हैं इस व्हीकल को तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स आ रहे हैं जो हम अपने फोन से गाड़ी को लोकेट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, जियो फेंस कर सकते हैं, गाड़ी का जो बैटरी परसेंटेज है कितना चार्ज है कितना वो सब भाई फोन से तो ओके आपको। और स्पेस भी भाई काफी है, स्पेस भी जैसा मुझे नजर आ रहा है स्पेस भी काफी दे रखा है इन्होंने टाटा में इस वाले में पंच में बहुत, मतलब सनरूफ भी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि काफी छोटा सनरूफ होता है और गाड़ियों में जो छोटी गाड़ियों में आता है, मैं किसी बड़ी गाड़ी की बात नहीं कर रहा, तो इन्होंने सनरूफ का साइज भी अच्छा रखा हुआ है। तो ये गाड़ी अभी तक तो भाई काफी लोगों के दिलों पे भारी है, बहुत ज्यादा भीड़ मतलब इसको देखने के लिए आज भी थी जब मैं यहाँ पे आया था, आपने आप ब्लॉग में आप दिखेगा आपको, तो काफी अच्छी है। इसका और भी जो फीचर्स है जो बाकी मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आप देख लेना। अभी हम बाहर चलते हैं, एक दो गाड़ी और टाटा की खड़ी है वो भी देख लेते हैं। थैंक यू रवि भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू फॉर नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। टाटा की न्यू ईवी पंच जो मैंने आपको दिखाई, सारे फीचर्स मैंने बताए, 8 एयरबैग के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल, पहली बार इंडिया में इंडिया की सबसे पहली 5G कार। तो कैसी लगी आपको ये कार और हमारा ब्लॉग कैसा लगा? चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग एक और कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए, और टाटा पंच को एक बार ज़रूर आप ट्राई करें, और ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय। ये कॉफ़ी बना रहे भाई।